ज़िंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड, आज मैं केमिस्ट्री का अगला सेशन लेकर आया हुआ हूँ। दोस्तों, ये जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये RRB NTPC और MTS और SSC जॉब्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक सेशन जो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, वो वीडियो के अंत में पड़े होगा और आई बटन पे भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, ऐसे वीडियो को पाने के लिए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? तो दोस्तों, प्राकृतिक रूप में जो लिटमस पेपर पाया जाता है वह बैंगनी रंग का होता है। हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। और लिटमस पेपर के बारे में आपको एक बात और बताऊं, जो नीला लिटमस पेपर होता है, वही बैंगनी लिटमस पेपर होता है, जो वो अम्ल के संपर्क में आने पर वह अपना कलर चेंज कर देता है, वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। और आपको एक बात कलर से बताऊँ, जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कभी कभी, प्राइमरी कलर कौन कौन होते हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग तीन होते हैं दोस्तों, लाल, नीला और पीला। इनको प्राथमिक रंग बोला जाता है और इन रंगों के द्वारा जो रंग बनाया जाता है उनको द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर भी बोला जाता है दोस्तों। मैं हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी शेयर करूँगा और ज़रूरी बातें भी बताऊँगा, इसलिए प्रत्येक वीडियो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। वीडियो को स्किप करते हुए, बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके समक्ष लाया हुआ हूँ। इनमें से कौन सी धातु एक द्रव है? तो आप बताइए इसका सही आंसर कौन सा रहेगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पारा। दोस्तों, पारा जो है ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है, यह एक धातु भी है दोस्तों। पारे का जो घनत्व होता है वो पानी से 13.6 गुना भारी होता है, यानी इसका जो घनत्व होता है 13,600 केजी पर मीटर क्यूब होता है दोस्तों, और पानी का घनत्व 1,000 केजी पर मीटर क्यूब होता है दोस्तों। और दूसरा जो ऑप्शन है सोडियम, दोस्तों सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, अगर जो इसको पानी में भी रखा जाएगा तो पानी से क्रिया करके वो उसमें आग पकड़ लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ये जलने लगता है दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें बताइएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? इसमें तीन विधियाँ दी गई हैं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला विधि है दोस्तों, छन विधि। तो छान के तो नमक बनाया नहीं जाता, क्योंकि नमक जो होता है वो सोल्यूबल होता है, पिघल जाता है, मतलब घुल जाता है। और निर्धारण विधि, मतलब छांट के अलग तो किया नहीं जाता, क्योंकि वो घुले होने की वजह से उसको अलग छांटने के तो अलग नहीं किया जा सकता। जो वाष्पन विधि है, इसी विधि के द्वारा जो है नमक बनाया जाता है। हमारा ऑप्शन तीसरा सही रहेगा, उसको सूखा करके जो पानी होता है उड़ जाता है, वाष्प में बन के उड़ जाता है, जो नमक बचा रह जाता है दोस्तों। और जो नमक होता है वो सोडियम का लवण होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताने से पहले एक बात मैं बताऊंगा आपको, जो बच्चे NTPC, SSC इन सब जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक अमेज़न पे लॉन्च किया गया है हाल ही में। तो बच्चे जो है वहाँ अमेज़न पे जाकर, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर वो परचेस कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बुक है और बहुत सस्ते प्राइस में इस टाइम मिल रहा है, तो बिना देरी के आप वहाँ पर ख़रीद सकते हैं दोस्तों। कुछ तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? क्वांटम थ्योरी दोस्तों बहुत ही बड़ी एक बुक बनी है फिजिक्स में, इसको बता पाना तो सिंपली मुश्किल ही है। इसका जो प्रतिपादन किया था वो दोस्तों जो है मैक्स प्लैंक ने किया था। हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा।
इनके बारे में दोस्तों मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। किसी दिन जब छुट्टी रहेगा तो क्वांटम थ्योरी के बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा, क्योंकि अभी सिलेबस पे मैं ध्यान दूंगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इसलिए मैंने पूछ लिया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है, यानी हाईली कंडक्टिविटी होती है? तो दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन में बहुत से लोग जो हैं तांबा सही लगा देते हैं, लेकिन इसमें से सही आंसर रहेगा चांदी। चांदी में दोस्तों सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता होती है, यानी सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है उसमें। और दूसरे नंबर पे जो होता है दोस्तों वो तांबा आता है। तांबे में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उच्चतम विद्युत चालकता होती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चांदी को दोस्तों Ag से भी डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थलों में प्राप्त जैव अवशेष की आयु के आकलन के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यानी जो हमारे पुराने अवशेष मिलते हैं किसी पुराने जगहों से, किसी कोई मूर्ति मिलती है, कोई औजार मिलते हैं, तो उसकी आयु का आकलन जो किया जाता है, कैलकुलेशन जो एज का किया जाता है, वो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा किया जाता है। हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों। आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए थे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, और चैनल को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, इंजॉय करते रहिए, आराम से रहिए। जय हिंद।